आज हम जा रहे हैं जी जैसलमेर टू लोंगेवाला। बहुत ही प्यारा रोड है और सामने देखो इतने ना फैन चल रहा है, एनर्जी फैन कहते हैं। ये सारी बीज तैयार हो रही है इतने जिनी इलेक्ट्रिसिटी है जैसलमेर लागे छोटे छोटे पिंडा नू, और सारी बत्ती इतों तैयार हो रही है जिनी बीज तैयार हो रही है। ये पावर हाउस कह सकते हो इन्हों तो बहुत बढ़िया है। कितने पानी का इंतजाम तो कोई है नहीं इतने कोई भी, इस करके सारे बीज इतने तैयार होती है। रोड बहुत बढ़िया रोड है, बाकी तुम अगर जाकर होर भी दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया रोड आ रहा है। हेलो जी, ये है जी वार ऑफ हीरोस मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो उनके साथ में जितने भी फौजी शहीद हुए थे उनकी सारे फौजियों का नाम लिखा हुआ है, और कैसे कैसे लड़ाई हुई, कौन कौन से सिपाही हमारे शामिल थे जो पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ था। मेरे ख्याल से बॉर्डर फिल्म भी यहाँ बनी थी। ये उन सब फौजियों की ओरिजिनल तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पर, और पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कैसे कैसे वॉर हुई, कौन कौन थे इसमें, कौन कौन से आर्मी वाले थे, कौन कौन से रेजिमेंट थी, ये सब इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये लिखा लोंगेवाला की लड़ाई में मेजर चांदपुरी की अल्फा कंपनी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप आइए देखिए, जहाँ हमारे शहीदों को प्रणाम कीजिए। ये हमारे उन फौजियों के स्टैचू बनाए हुए हैं, और उस समय के जो हथियार वेपन वगैरह थे वो बनाए गए हैं। ऐसा पेश किया गया जैसे अभी हम जैसे अभी वॉर चल रही है। बहुत अच्छा लगता है, और शहीदों को प्रणाम करना चाहिए हमेशा जिन्होंने हमारी राखी की। ये जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम का ये आर्मी वालों ने मॉडल बनाया हुआ है। एक साइड में इंडियन आर्मी है, एक साइड में पाकिस्तान की आर्मी है। ये ऐसा दिखाने की कोशिश की है जैसे ऐसे ऐसे वॉर हुई थी, जहाँ जहाँ आर्मी ने मोर्चे लगाए हुए थे, कहाँ हमारी इंडियन आर्मी थी, कहाँ पाकिस्तान की आर्मी थी। ऊपर एक वो एरोप्लेन भी दिख रहा है, फाइटर प्लेन भी है, वो सब ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे ऐसे उनके मॉडल बना कर रखा हुआ है, उस टाइम की याद दिलाता है हम सबको, जहाँ आकर जरूर देखना चाहिए। और ये बाग का सीन है, तो सामने देखेंगे तो बिल्ली जीप खड़ी है, ये मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी की थी। ये देखिए जीप है, पर इसके ऊपर मशीन गन फिट की हुई है, और ये सामने आर्मी वाले कुछ कर रहे हैं तोप को। और इसके आगे जाएंगे थोड़ा सा और सामने दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान का टैंक है जो इंडियन आर्मी वालों ने पकड़ा था, उस टाइम वो छोड़ कर सब भाग गया था। ये मेरे ख्याल से पैटर्न टैंक था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टैंक था, अमेरिका का टैंक था जो अमेरिकन आर्मी ने पाकिस्तान वालों को दिया था इंडिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के। और हमारे जो फौजी वीर थे उन्होंने अपनी छाती के साथ जो टाइम बम होता है, जो टैंक को उड़ाता है, वो अपने ऊपर बांध के 10-10, 15-15 टाइम बम बांध कर टैंक के नीचे छलांग लगा दी थी। इस वजह से काफ़ी टैंक उनके युद्ध में बर्बाद हो गए थे। तो ये कुछ टैंक बचे थे जो इंडियन आर्मी वालों ने पकड़ के जहाँ रखे देखने के लिए। लोग आते हैं जहाँ भी लिखा है लोंगेवाला युद्ध के बारे में, सब लिखा है 1971 में कैसे कैसे हुआ था, सब लोग वहाँ देखने आते हैं। और ये देखिए हमारे भाई खड़े हैं
बाइक नहीं है, ये हाथी है। हाथी ये मेरे वाला हाथी खड़ा है, हार्ले डेविडसन, और ये करण का खड़ा है रॉयल एनफील्ड 650। ये भी हाथी से कम नहीं है जो इतनी दूर हमको लेके आए जी। अब हम जा रहे हैं जी लौंगे वाला से तनोट माता का मंदिर, जहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है वैसे तो। रोड बहुत बढ़िया है, नंबर वन रोड है। और देखिए, और इसके चारों ओर रेगिस्तान है, इधर भी लेफ्ट में और राइट में भी। और मेरे लेफ्ट में साथ साथ पाकिस्तान का बॉर्डर चलता है ऐसे, साथ साथ में हम बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं ऐसे लेफ्ट में। और जब जहाँ आए तो एक चीज़ का ज़रूर खास ख्याल रखें कि जहाँ मैं इधर आके कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलता आपको। जब आप जैसलमेर से निकलेंगे है ना, तो अपनी बाइक की टैंकी फुल करवा के निकलना। तो हमारी बाइक तो 15-20 किलोमीटर करती है 1 लीटर से। तो प्लीज़ इसी का ज़रूर ख्याल रखना, पेट्रोल साथ में ज़रूर लेके आए। लो जी, तनोट माता के मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो ये जहाँ की एंट्रेंस है, जहाँ में भी हमारी थोड़ी पंजाबी थोड़ी हिंदी थोड़ी ऐसी है, हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और जहाँ सामने BSF की चेक पोस्ट है, तो ये मेरे ख्याल से BSF वालों के अंडर में होएगा सारा कुछ ये। तो अंदर जाकर देखते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ था जहाँ। ठीक है जी, ओके बाय। ये है जी श्री तनोट माता मंदिर 1971 की वॉर के अंदर। कहते हैं मंदिर को कुछ नहीं हुआ, जो है बम और आगे चल पड़े हैं, लेकिन चल पड़े हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये युद्ध के टाइम जो फौजी जहाँ शहीद हुए थे उनकी पुरानी तस्वीरें हैं। और ये बॉम्ब वगैरह आगे पड़े हैं, टाइम बम वगैरह, ये पाकिस्तान आर्मी ने इस मंदिर के ऊपर फेंके थे। उनका मानना ये है कि इतने बम फेंके थे और मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। और काफ़ी इंडियन आर्मी के जो जवान थे इस मंदिर में बैठ कर, जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, और बाद में फिर उन्होंने दोबारा फिर जाने बचा कर युद्ध में हिस्सा लिया था, ऐसा इनका मानना है। बिल्कुल ठीक है जी। जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये देखो राजस्थान की रोड, जैसे मक्खन नहीं होता है, मक्खन मलाई होती है, ऐसी रोड है। और हम पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। ये राइट साइड में मेरे पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, ठीक है जी। और अब हम तनोट मंदिर से निकल चुके हैं, जहाँ एक सफारी है, सैम डीसर्ट सफारी ऐसा नाम है उसको कुछ, वहाँ में हम लोग आज नाइट को स्टे करेंगे उधर। तो एक चीज़ का जहाँ थोड़ा ख्याल रखें आप, जहाँ पे टेलीफोन बिल्कुल काम नहीं करता कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर होने की वजह से कोई भी फ़ोन नेटवर्क जहाँ नहीं चलता है। तो पेट्रोल को तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज ये दूसरा पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो तीसरा पार्ट हम 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर शेयर कर देंगे, आपको लगता है शेयर होनी चाहिए तो कर दीजिए, नहीं तो ठीक है चलता है, फिर कोई बात नहीं। हम लोग घूमते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे, ठीक है जी। ओके बाय।